बड़ी सिंगर हैं, उनकी एनजीओ है, वो यहाँ पे हाथी के लिए फिक्रमंद है। जो बाकी हाथी यहाँ पे एक बचा है वो पागल हो गया है। वो मेयर साहब जो है वो हाथी को जफ्फी डाल के बैठे हुए, वो जाने नहीं दे रहे। भाई या तो आप उसका इलाज करें, अगर नहीं कर सकते तो उसको आप जाने दें। सो हमारे जो इश्यूज हैं वो हमारे जो मेजर इश्यूज जो बाकी गवर्नेंस में इश्यूज हैं वही वाइल्ड लाइफ में इशू हैं। इनकॉम्पिटेंस एंड करप्शन, दीज टू आर द टू मेजर कॉजेज के जहाँ की वजह से हमारे जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आ रहे हैं वही इश्यूज जो है हमें वाइल्ड लाइफ में आ रहे हैं। सो मुझे एक तो यहाँ पे आप इस्लामाबाद म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में इन्होंने मुझे बताया कि 3500 स्पीशीज हैं बटरफ्लाइज की, जो तितलियों की, जो यहाँ पे कंजर्व हैं। इसके साथ हमारी जो पुराने यहाँ पे जो जानवरों की जो तमाम एक्सटिंक्ट हुई हुई हैं उनका एक आपको मिलता है, एक फीलिंग मिलती है। अनफॉर्चुनेटली उतना उस तरह का नहीं हम कर सके जिस तरह का होना चाहिए, बट इंशाल्लाह अगले 2-3 साल में हम कर देंगे। अब हम इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लेके जा रहे हैं, उन लोगों को लाना चाहते हैं जिनकी दिलचस्पी हो, अपना दिल इस काम के साथ जुड़ा हुआ हो। जिस काम के साथ दिल ना जुड़ा हुआ हो वो काम वैसे ही अच्छा नहीं होता। जो आप लोग ये जो काम है ना, वाइल्ड लाइफ का काम है या जो इस तरह का ये जो एक थोड़ा आर्टिस्टिक के काम होते हैं ना, ये कोई नौकरी के लिए काम नहीं होते, ये तो दिल के लिए काम होते हैं। अगर आपका दिल धड़कता है, अगर आपका स्पोर्ट्स है, ये वाइल्ड लाइफ है, आर्ट्स हैं, ये जो चीज़ें हैं ये कोई फ्रेंकली सिर्फ नौकरी के लिए हो नहीं सकते। ये सिर्फ एक फीलिंग के लिए होती हैं, एक अपने तसल्ली के लिए होती हैं, और जिसको शौक ना हो उसको तो ये काम करना ही नहीं चाहिए, उसको तो कोई और काम करना चाहिए। सो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो वर्कशॉप है इसके नतीजे में ये कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। मैं अभी सेक्टर साहब से बात कर रहा था कि हमें देखना ये चाहिए कि क्या हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनके जो अपने सेंटर्स हैं कंजर्वेशन के, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के, वो कैसे हैं, और अगर ज़रूरत हो तो हम एक मुस्तकिल यहाँ पर एक सेंटर कायम कर सकें वाइल्ड लाइफ के लिए, कंजर्वेशन की कंजर्वेशन ट्रेनिंग के लिए, और उसमें अगर मुमकिन हो तो सके तो फिर हम अपनी उसमें डिग्रीज भी जो है वो ला सकें, या जो भी इसमें एक प्रॉपर समझिए कि हम उसमें ला सकें। ये सर UNDP इज़ ऑल्सो हेयर, देर आर ग्रेट पार्टनर्स इन मैनी रिस्पेक्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सच एरियाज, सो वी कैन ऑलवेज आस्क देम टू कम फॉरवर्ड एंड यू नो ड्रॉ और सच स्कीम्स एंड बी अ हेल्पिंग हैंड एज दे आर ऑलवेज। सो उन लोगों को साथ शामिल करके जब तक जो वाइल्ड लाइफ का है, जो सोसाइटीज़ हैं वो एक्चुअली अपनी जो एक उनके मुख्तलिफ रंग होते हैं, उनमें जो जानवरों से भी मोहब्बत है वो भी एक माशरे का एक रंग है, एक कलर है जो आपके सामने आता है, जो नज़र आता है। जो सोसाइटीज़ अपने जानवरों के साथ, अपनी वाइल्ड लाइफ के साथ, अपने डोमेस्टिक जानवरों के साथ रहम नहीं करती, काइंड नहीं होती, इसका मतलब यह है कि वो डिक्लाइन के ऊपर जा रही हैं, वो नीचे जा रही हैं। और ये एक इजहार है कि एक सोसाइटी जो है वो कितनी मैच्योर है, कितना उसका दिल जो है वो धड़कता है। तो हमने तो चूँकि इंसानों से मोहब्बत ही कम कर दी है तो जानवरों से मोहब्बत तो फिर कम होनी थी। तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि आगे हमारी कोशिश बहरहाल पूरी होगी, हम वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट कर सकें, हम अपने इन्वायरमेंट को सपोर्ट कर सकें, और हमारा जो इकोसिस्टम है उसको हम प्रिजर्व कर सकें, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं उनके पास हमारा ये जो इकोसिस्टम है ये अमानत है हमारे पास अपनी अगली नस्लों के लिए। और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद होनी चाहिए कि हम अपनी अमानत में खयानत नहीं करेंगे, अगली नस्ल को हम उससे बेहतर इकोसिस्टम दे के जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।